बाणासुर का वध करने हेतु बहन पार्वती को इतनी पीड़ा सहन करनी होगी। और यदि अब आपने इस रूप में कुमारी को दर्शन दिए तो उसके परिणाम से भी आप अनभिज्ञ नहीं है महादेव। क्या आज मेरे आराध्य अपने निजी कारणों के समक्ष संसार के दायित्वों से विमुख हो जाएंगे? मुझे विश्वास है कि आप आएंगे मेरे लिए। कोई भी मुझे पार्वती तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। महादेव, तो ये सत्य मैं अपने आराध्य पर सुदर्शन नहीं चला सकता, किंतु स्वयं पर तो चला ही सकता। नहीं नारायण। महादेव, यदि आप नहीं आए तो मैं प्रण लेती हूँ कि आज के पश्चात किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में मैं आपका वरण नहीं करूँगी, भी नहीं मिलूंगी आपसे। अब तो मुझे उससे भेंट करनी ही होगी नारायण। अतिशक्ति है वो, उनके द्वारा लिया हुआ प्रण कभी नहीं टूट सकता। पार्वती से न मिलने के दुर्गामी परिणाम इस सृष्टि के लिए प्रलय का सिद्ध हो। नेत्र खोलो कन्या। आप कौन है? मैं कौन? तुम्हें किसकी प्रतीक्षा थी? मैंने तो महादेव का आह्वान किया था। महादेव तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। उनके आह्वान की आवश्यकता नहीं तो उनके आगमन की भी आवश्यकता नहीं। महादेव को तो केवल पाया जा सकता है शिला में, शिवलिंग वृक्ष में, पत्तियों मिट्टी में, कण कण में उपस्थित है महादेव। कण कण में उपस्थित है महादेव। यदि पहचान लोगी उन्हें, पा भी लोगी। आपके लिए ये सब कहना सरल है। यदि आप मेरे स्थान पर होते तो आपको ज्ञात होता कि जो सत्य जानते हैं वो कभी अधर नहीं होते, कभी विवेक नहीं खोते। और सत्य क्या है? सत्य वही है जो शाश्वत है, जो कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परिवर्तित होता है तो केवल व्यक्ति का दृष्टिकोण, और उसी के कारण व्यक्ति सत्य को सहजता से स्वीकार कर पाता है। किंतु मेरा सत्य महादेव की प्रतीक्षा ही है। मैं कहा ना, कुमारी की जो पहले से ही उपस्थित हो उसकी प्रतीक्षा नहीं की जाती। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने दृष्टिकोण